हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती चने की दाल प्याज लेकर आई हूँ, मसालेदार। एंड सो आइए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जी जनाब, इस तरह की हमने एक देखी पैन से ले लिया, ठीक है। और अब हम इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके अपनी रेसिपी को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें मैं डालूंगी हसबे ज़रूरत कुकिंग ऑयल, ठीक है। मैं इधर 2 टेबल स्पून के करीब ले रही हूँ, ठीक है, नॉर्मली जो होता है कुकिंग ऑयल। एंड देन हमने ये प्याजे ली हैं, इसने उसको लंबा लंबा काट लिया है, रफली चॉप कर लिया है, ठीक है। एंड मेरे पास ये 3 अनियंस थी और मीडियम साइज थी, ठीक है। इसमें ज़्यादा प्याज नहीं जाएगी क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये चने की दाल प्याज है, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके इसमें हम इसको शामिल कर देंगे प्याज को। और इसको बस हल्का सा सौते करना है। और मछली बात को बताते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा प्लीज़। जी जनाब, इधर आ जाते हैं हम अपने कुछ इसके बाद ड्राई मसालों की तरफ। ये मेरे पास 2 बड़ी इलायची हैं और ये 2 जो है इसके दालचीनी के टुकड़े हैं और ये 8-10 के करीब लौंगे और काली मिर्ची हैं, ठीक है। और ये 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद जीरा है और ये 2 टेबल स्पून नमक है। और नमक आपको पता है सॉल्ट एज पर नीड शामिल होता है। और ये मेरे पास 1/2 टीस्पून अजवाइन, ठीक है। अब ये सब मैं प्याज में ऐड करूँगी जी। इस तरह से थोड़ा सा बस प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो करेगी ना प्याज, सो फिर मैं इसमें अपने तमाम जो ड्राई मसाले थे जो मैंने आपको अभी मेंशन कर दिए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। और इसको अभी हम अच्छा सा 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर देंगे, ठीक है जी, ताकि जो इसका फ्लेवर है ना वो इसके अंदर अच्छे तरह से आ जाए। फ्राई होने के बाद जो ये साबुत गर्म मसाले थे, खड़े गर्म मसाले जाते हैं ना, उसकी बहुत अच्छी जो है स्मेल की खुशबू निकलती है। तो लेट्स, जब आप बनाएंगे तो फिर आपको पता लगेगा कितनी मज़ेदार चिकन चीज़ है ना। तो ये प्याज इस तरह से थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, तो अब मैं इसमें ये शामिल करने वाली हूँ। मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, ठीक है, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसको मैंने इस तरह लंबाई में फिंगर चिप्स की तरह कट कर लिया है बारीक बारीक, ठीक है। अब ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, ठीक है। और इसे मज़ीद थोड़ा सा भून लूँगी, ठीक है जी। और इसके साथ ही मुझे कुछ ड्राई मसाले इसमें शामिल करने हैं वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। और इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा इसमें लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून, और अच्छी तरह से इसको भून लूँगी ताकि इसमें से लहसुन और अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर मैं इसमें गरम मसाले शामिल करूँगी, ठीक है। 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको लगे कि अच्छी तरह से भून गया है तो आप इसके अंदर फिर मसाले शामिल करें, ठीक है। अच्छी तरह से मैंने इसको हाई फ्लेम पे भून लिया है। टमाटर भी देखें सॉफ्ट की तरह सॉफ्ट होने लगे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ड्राई मसाले हैं और इसमें यह है कि ये है 1 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ धनिया पाउडर एंड 1/2 टेबल स्पून हल्दी एंड किसी भी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने इसमें जब डाल दिए, जब ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें मसाले शामिल कर दूँगी वरना ये जलने लगे, ठीक है जी। 1 से 2 मिनट मसाले के साथ भी हमें भूनना है, ठीक है, ताकि इसके मसालों को जो कच्चापन होता है, जो मसालों की स्मेल होती है वो निकल जाए। और जी अब इधर आ जाते हैं, ये मेरे पास 1 पाव करीब चने की दाल थी, ठीक है, जिसे मैंने सोक कर दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। और अब मैं इस मसाले के बाद इसको शामिल करने जाऊँगी जी व्यूअर्स। तो इस तरह का इसको हमने भून भून के इतना कर लिया है कि इसने ऑयल छोड़ दिया, ठीक है,
और जब ऑयल छोड़ देगी हमने 4-6 मिनट, उसको 3 से 4-5 मिनट मैंने उसको अच्छी तरह भुना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भुना है, ठीक है ना, कहीं ये ना हो कि आप जला दें इसको मसाले, क्योंकि जैसे इसमें मसाला शामिल किया ना, जैसे हमने जो ड्राई मसाले थे वो मैंने इसमें ऐड करे, तो फिर इसने उसको सारा ऑयल जो था वो जब्त कर लिया था, लेकिन जब मैं उसको भूनते रहे हल्का हल्का सा पानी डाल के, तो वो ऑयल रिलीज करता रहा। देखिए मैंने कितना कम ऑयल डाला था और कितना ज़्यादा रिलीज कर दिया इसमें, ठीक है। अब इस स्टेज पर अब हमने जो ये दाल आपको दिखाई थी, तो मैंने सो करके रखी हुई थी 10 से 15 मिनट के लिए, अब मैं ये इसमें ऐड करती हूँ। जी व्यूअर्स, सारी दाल इसमें मैंने इसमें शामिल कर दी है, ठीक है, जो मेरे पास 1 पाव करीब जो दाल थी, ठीक है। ये मैंने जो आपको बताया सारा, इसका जितने भी मसाले हैं, जितना भी इसका मैंने इंग्रेडिएंट बताए हैं, तो ये 1 पाव दाल के हैं, ठीक है, तकरीबन। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको डबल बढ़ा दें थोड़ा थोड़ा हर चीज़, ठीक है ना। जैसे मैंने 1-1 टेबल स्पून करीब मिर्चें, धनिया, चीज़ें नहीं, आप 2-2 टेबल स्पून कर दीजिएगा अगर आप ज़्यादा दाल देना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसके अंदर वाटर शामिल करके और इसे इतना शामिल करेंगे कि इसमें दाल गल जाए, ठीक है। और इसको हम थोड़ी सी सूखी सूखी रखते हैं, सिर्फ इसमें ऑयल होता है, तो इसी पानी में जो है बस ये दाल गल जाएगी इंशाल्लाह। सो कर देते हैं इसे कवर, ठीक है, और मिलते हैं। वैसे हम इसके अंदर दरमियान में भी इसको चेक करते रहेंगे, लेकिन 20 20 मिनट्स के बाद हम इसको पैक करेंगे, जी व्यूअर्स। तो ये दाल गल चुकी थी, तो इसके अंदर मैंने 2 हरी मिर्चें और 2-3 पत्ते पुदीने के और 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ डालकर और उसको शामिल कर दिया था, ठीक है। अब मैं आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये गरम मसाला और चीनी मिक्स हो जाए, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। लीजिए जनाब, मज़ेदार सी दाल प्याज, चने की दाल प्याज तैयार है, और प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी आज की डिश, और दुआ में याद रखिएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।